अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा सेकंड लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए के ऊपर। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए व्हिच इज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए कि जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसमिट ऑफ कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप लोगों को मालूम होगा डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है यहां पे शुगर मॉलिक्यूल्स, और डीएनए के अंदर जो शुगर होते हैं वो किस तरह के शुगर होते हैं, पेंटोज। लेकिन इसके कार्बन नंबर सेकंड पे ओएच ग्रुप क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोस शुगर। और इसका कार्बन नंबर फर्स्ट जो है अटैच होते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन बेस के साथ, ठीक है। और ठीक उसी तरह से जो यहां पे फिफ्थ जो कार्बन होते हैं वो बॉन्ड्स बनाते हैं किसके साथ, फॉस्फेट के साथ। और इस पेंटोज शुगर का थर्ड जो कार्बन है यहां पे उसका जो ओएच है वो हाईली न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं किसके साथ, किसके साथ, ये भी बॉन्ड्स बनाते हैं फॉस्फेट के साथ। अब यहां पे मैं दूसरा पेंटोज शुगर शो करता हूं, और ये पेंटोज शुगर कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, और ये इसका कार्बन नंबर फर्स्ट है। तो ये इस तरह से बॉन्ड्स बनाते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन बेस के साथ। और ये फिफ्थ जो कार्बन है ये बॉन्ड्स बनाते हैं इस फॉस्फेट के साथ। और यहां पे थ्री कार्बन पे जो ओएच ग्रुप है वो फ्री रहते हैं इस तरह से। अब इसीलिए हम डीएनए के एक साइड को क्या कहते हैं, थ्री प्राइम एंड, क्यों, क्योंकि इस पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर थर्ड यहां पे फ्री होते हैं, या इस साइड में थर्ड कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और इस साइड में कौन से कार्बन प्रेजेंट है, फिफ्थ, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फिफ्थ प्राइम। अब डीएनए जो होते हैं उसमें एक इस तरह के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो होता नहीं है, क्योंकि डीएनए जो होते हैं उसके पास दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डबल स्ट्रैंड कहते हैं। अब ये नाइट्रोजन बेस यहां पे अनदर नाइट्रोजन बेस के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं। और ये नाइट्रोजन बेस भी यहां पे अटैच होते हैं किसके साथ, अनदर पेंटोज शुगर के साथ। और यहां पे जो पेंटोज शुगर होते हैं उसको हम इस तरह से उल्टा बनाते हैं, और यहां पे ऑक्सीजन है, तो ये इसका कार्बन नंबर फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस कार्बन नंबर थर्ड पे यहां पे फ्री रहते हैं क्या, ओएच ग्रुप, इसीलिए इस साइड को हम क्या कहते हैं, थ्री प्राइम। और ये जो फिफ्थ जो कार्बन है यहां पे ये बॉन्ड्स बनाते हैं, फिफ्थ कार्बन ऑफ द पेंटो शुगर इन अनदर स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए बॉन्ड्स विद द दीज फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। और यहां पे भी क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होता है इस तरह से, और ये नाइट्रोजन बेस फिर से बॉन्ड्स बनाते हैं, ऑक्सीजन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर एंड फिफ्थ। ये क्या है, हमारा पेंटोज शुगर है, ये भी हमारे क्या है, पेंटोज शुगर। और ये थर्ड कार्बन के साथ अटैच होते हैं, यहां पे बॉन्ड्स बनाते हैं, और यहां पे क्या है, फिफ्थ कार्बन जो है ये फ्री होते हैं, लेकिन ये हमेशा बॉन्ड्स बनाते हैं फॉस्फेट के साथ, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फिफ्थ एंड या फिफ्थ प्राइम कहते हैं। इसको थर्ड, इसको फिफ्थ, इसको थ्री। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल। डीएनए हमेशा क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, एक स्ट्रैंड यहां से नीचे की तरह इस तरह, दूसरा स्ट्रैंड इस तरह से, ये हमेशा पैरेलल नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। और हम यहां पे जो स्ट्रक्चर का डिस्कस कर रहे हैं वो मोस्ट कॉमन जो डीएनए बी डीएनए का हम बात कर रहे हैं, डीएनए का डिफरेंट टाइप्स है, अब हम यहां पे जो डिस्कस कर रहे हैं ये बी डीएनए है। बी डीएनए जो होते हैं राइट हैंडेड क्वाइलिंग होता है, यहां पर इस तरह से राइट हैंडेड हेलिक्स या क्वाइलिंग होता है इसके अंदर। अब यहां पर नाइट्रोजन बेस है, सपोज यहां पर हमारे पास ए है, ए किसके साथ बॉन्ड्स बनाते हैं, टी के साथ। ए जो होते हैं ये प्यूरीन होता है, टी जो होते हैं पैरामिडीन्स होते हैं,
चारग्राफ ने जो बात बताया था, प्यूरीन इज ऑलवेज बॉन्ड्स विद द पिरिमिडिन्स, और उसने ये भी बताया था द अमाउंट्स ऑफ प्यूरीन इज इक्वल टू द अमाउंट्स ऑफ पिरिमिडिन्स, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है यहाँ पे, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और सपोज यहाँ पे हमारे पास साइटोसिन है, साइटोसिन हमेशा बॉन्ड्स बनाते हैं डीएनए में किसके साथ, जी के साथ, किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, जी के साथ, और यहां पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहां पे आ जाओ, फर्स्ट देखो अब हम यहां पे लिखेंगे बॉन्ड्स इन द डीएनए, इन द डीएनए में कितनी टाइप्स का बॉन्ड्स होते हैं, नंबर वन पहला जो टाइप्स होते हैं बॉन्ड्स वो किस तरह के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस के बीच में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एडिनिन आप लिख सकते हो इज ऑलवेज बॉन्ड्स विद थायमिन विद टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसी तरह से साइटोसिन इज ऑलवेज बॉन्ड्स विद जी विद थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इसको हम क्या कहते हैं, ये किस तरह के बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो सेकंड टाइप्स का जो बॉन्ड्स डीएनए में देखने को मिलते हैं उस बॉन्ड्स को कहते हैं एन गैलकोसाइडिक बॉन्ड्स, एन गैलकोसाइडिक बॉन्ड्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होता है बिटवीन किसके बीच में, नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर के बीच में, नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात जो है याद रखना है आपको, इस पेंटोज शुगर का हमेशा फर्स्ट कार्बन होता है, अगर ये प्यूरीन है, प्यूरीन के केस में ये नाइन्थ पोजिशन पे जो नाइट्रोजन होता है उसके साथ बॉन्ड्स बनाते हैं। अब यहां पे मुझे बताओ ए एडनिन जो होता है ये प्यूरीन से कि पिरिमिडिन से, प्यूरीन है, और इसका ये किस पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है उसके साथ बॉन्ड्स बनाएगा, नाइन्थ पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है इसके साथ बॉन्ड्स बनाएगा। और इसी तरह से देखो यहां पे थायमिन पिरिमिडिन से बिलोंग करते हैं, और यहां पे फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर बॉन्ड्स विद द फर्स्ट नाइट्रोजन, फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होते हैं पिरिमिडिन का उसके साथ बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक उसी तरह से साइटोसिन किससे बिलोंग करते हैं, साइटोसिन पिरिमिडिन है, और यहां पे कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ पेंटोज शुगर बॉन्ड्स बनाएगा किसके साथ, फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है इसके साथ। ठीक उसी तरह से यहां पे जो गोनिन है ये किससे बिलोंग करता है, प्यूरिन से, तो यहां पे कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ पेंटोज शुगर बॉन्ड्स बनाएगा नाइन्थ पोजिशन पे जो नाइट्रोजन है प्यूरिन के इसके साथ। तो अभी तक हमने डिस्कस किया टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन डीएनए, वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजन बेसिस, और दूसरा एन गैलकोसाइडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट नाइट्रोजन बेस विथ पेंटोज शुगर, ठीक है। अब ये पोजीशन भी आपको याद रखना है, हो सकता है किसी अगर कंपिटेटिव एग्जाम में आप लोग बैठना चाहते हैं तो उसमें ये हेल्पफुल होगा। अब इसके बाद जो थर्ड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं डीएनए में, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, देखो इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, एक फॉस्फेट है, ये फिफ्थ कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड्स बना रहा है, इसको हम कहते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अगर हम इसका बात करें यहां पे कितनी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, टू, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड्स या बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है फॉस्फेट और किसके साथ, पेंटोज शुगर के साथ, ये पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर फिफ्थ के साथ भी बॉन्ड्स बना सकते हैं, और इसी तरह से कार्बन नंबर थर्ड के साथ भी क्या कर सकते हैं, बॉन्ड्स बना सकते हैं। That is all about the molecular structure of the DNA. Next lecture, we will discuss the new topic. Thank you very much.